स्वागत है आपका रेलवे ज्ञान गुरु के यूट्यूब चैनल पर। आज हम पढ़ाएंगे आपको हाइड्रोजन। हाइड्रोजन क्या है, पूरा हाइड्रोजन के बारे में बताने वाले हैं कि हाइड्रोजन क्या है, मतलब H। इसका सिंबल क्या होता है, H। सबसे पहले इसकी खोज। अगर वीडियो अच्छा लगता हो तो लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना। बाकी खोज कब हुई थी इसकी खोज हुई थी 1767 में, कैवेंडिश ने की थी। कैवेंडिश 1766 में कैवेंडिश ने की थी। अब बात करें हाइड्रोजन आवर स्टार्टिंग, बात करें हाइड्रोजन की स्थिति। हाइड्रोजन आवर स्टार्टिंग कहाँ रखा है, इसकी स्थिति बात कर लें। स्थिति कहाँ पर, आवर्त सारणी। आवर्त सारणी, आवर्त सारणी में स्थिति। आवर्त सारणी में, आवर्त सारणी में इसकी स्थिति जो है ये प्रथम वर्ग मतलब समूह मतलब ग्रुप, प्रथम वर्ग या समूह या ग्रुप में रखा गया है। किस आवर्तसारणी, कौन सी आवर्तसारणी में, आधुनिक आवर्तसारणी। आधुनिक आवर्तसारणी यानी कि ग्रुप नंबर फर्स्ट, आवर्त मतलब पीरियड, पीरियड मतलब आवर्त नंबर फर्स्ट। ग्रुप नंबर भी फर्स्ट है, आवर्त नंबर भी फर्स्ट है, किसका, हाइड्रोजन का। आधुनिक आवर्तसारणी 1913 में हेनरी मोजेले ने दी थी। हेनरी मोजेले ने दी थी। अब बात कर रहे हैं हाइड्रोजन। हाइड्रोजन के तीन समस्थानिक होते हैं। हाइड्रोजन के कितने समस्थानिक होते हैं, तीन समस्थानिक। समस्थानिक क्या होता है, मैं इसे पढ़ा चुका हूँ, पर आप देख लेना, आई बटन पे देखना, समस्थानिक आपको मिल जाएगा। समस्थानिक एक होता है 1H1, होता है 1H2, एक होता है 1H3। इसे कहते हैं प्रोटियम, इसे कहते हैं ड्यूटेरियम, इसे कहते हैं ट्राइटियम। प्रोटियम से ही, प्रोटियम मतलब सामान्य जल, क्या होता है, सामान्य जल। और ड्यूटेरियम मतलब भारी जल, DTO, इससे बनता क्या, भारी जल। क्या, भारी जल। इसकी खोज यूरे एवं वासवर्न ने की थी। यूरे एवं वासवर्न ने की थी। ये सबसे भारी, ये सबसे हल्का, ये सबसे हल्का। ठीक, ट्राइटियम ये होता क्या है, ड्यूटेरियम सामान्य जल, यहाँ लिख देते हैं ड्यूटेरियम। DTO क्या होता है, सामान्य जल से, सामान्य जल का 6000 से एक भाग 6000। अगर जल हो साधारण जल का 6000 भाग में से एक भाग भारी जल होता है ड्यूटेरियम। इसकी खोज यूरे एवं वासवर्न ने की थी। और अब बात करें हाइड्रोजन। हाइड्रोजन जो है ईंधन के रूप में होता है, क्या रूप में होता है, ईंधन के रूप में। ईंधन के रूप में जलाया जाता है। हाइड्रोजन को भविष्य का ईंधन भी कहते हैं। भविष्य का ईंधन भी कहते हैं। मोस्ट इम्पोर्टेंट, सैकड़ों बार पूछा गया है कि किसको भविष्य का ईंधन कहते हैं। हाइड्रोजन को भविष्य का ईंधन कहते हैं। वीडियो अगर अच्छा लग रहा हो तो लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना। आगे बात करें, हाइड्रोजन को भविष्य का ईंधन कहते हैं। हाइड्रोजन ईंधन के रूप में प्रयोग करते हैं और होता है इसका नाभिकीय संलयन में, नाभिकीय संलयन में हाइड्रोजन व हीलियम का प्रयोग किया जाता है। हाइड्रोजन की बहुत मात्रा ब्रह्मांड में बहुत कम मात्रा में पाया जाता है और इसके अधिक जानकारी अगले वीडियो में देंगे। इतना अगर अच्छा लगा तो लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना।